वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट की अपील। नमामि गंगे ने गंगा से निकाला प्लास्टिक कचरा, दिया संदेश गंगा को मिले प्लास्टिक से आजादी। कपड़े के झोले बांटकर जनमानस से किया आह्वान, बिना प्लास्टिक के दिन गुजार कर पर्यावरण के बने सहयोगी। गंगा को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई बुधवार को नमामि गंगे ने प्लास्टिक मुक्त गंगा अभियान शुरू किया। दशा में घाट पर गंगा की तलहटी से प्लास्टिक और अन्य प्रदूषण कारक पदार्थों को निकालकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल, हवा, मिट्टी एवं पर्यावरण मिले, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग करने न करने और वृक्षारोपण को सभी को विशेष ध्यान देने के लिए आह्वान किया गया। गंगा घाटों को प्लास्टिक मुक्त करने की अपील के साथ लोगों में कपड़े के झोले का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करती तख्तियों के माध्यम से संदेश दिया गया, पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी को, गंगा को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त कराना संभव है। इस काम में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि इसमें भारत की आत्मा प्रवाहित होती है, इसलिए प्लास्टिक और प्रदूषण से बचने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी है। यदि हम बिना प्लास्टिक के दिन गुजारे तो पर्यावरण के सहयोगी बन जाएंगे। राजेश शुक्ला ने बताया कि हर दिन दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में प्लास्टिक से भरे लगभग 2000 कचरा टन फेंके जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया, जिससे लाखों लोगों और जानवरों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुमित पिंटू, सुमित सिंह, पिंटू बिंद, अर्जुन प्रसाद, सुनीता प्रज्ञा सिंह व आदि नागरिकगण उपस्थित रहे। संवाददाता तौफिक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथिन बैग मुक्ति दिवस है और हमने यहाँ दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, अहिल्याबाई घाट तक लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्र से पॉलिथिन बैग का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया है। हमने यह संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथिन बैग मुक्ति दिवस का जो अभिप्राय है वह हमें पॉलिथिन बैग को इस्तेमाल करने के लिए मना करता है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की मांग कर रही है और पर्यावरण संरक्षण तभी होगा जब हम इस जहरीले पॉलिथिन को अपने दैनिक उपयोग से हटाएंगे। हम निवेदन करते हैं माताओं बहनों से, सभी युवाओं से, कि जब वो घर से निकले तो अपने साथ झोला, कपड़े का झोला लेकर निकले, ताकि दुकानदार उनको पॉलिथिन का बैग दे ही ना सके और हम पर्यावरण के सहयोगी बने। आज इस मौके पर हम यह कहना चाहते हैं कि पॉलिथिन बैग ने हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों को बड़ा ही गहरा जख्म दिया है और हम अपनी माता की तरह हितकारिणी नदियों के लिए इतना तो प्रयास कर ही सकते हैं कि गंगा के किनारे या गंगा और उनके सहायक नदियों के किनारे पॉलिथिन का उपयोग ना करें, ताकि हमारी जो नदियां हैं, पुण्य पवित्र नदियां हैं, जो सदियों से हमको हमारी धार्मिक, सिंचाई, पर्यटन, तीर्थाटन, औद्योगिक, व्यापारिक, इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करा रही हैं, उन गंगा मैया के तट पर, ये नदियों के तट पर पॉलिथिन का जमावाड़ा ना हो, पॉलिथिन जलीय जीव जंतुओं को नुकसान ना करे। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथिन मुक्त बैग दिवस पर हम संकल्प लें कि अपनी नदियों को इन पॉलिथिन के पैकेट से, पॉलिथिन के बैग से बचाएं। ढूंढ लिया
Yeah, maybe that's a little bit of a problem.